मेरा फर्स्ट बेबी है, प्रॉपरली मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. अभी मैंने हफ्ता भर ही हुआ है मेरे बेबी को डिलीवर की हुए, थोड़ा थोड़ा मिल्क निकल रहा है. मैं उसको लैच करवा रही हूँ, प्रॉपरली मिल्क नहीं निकल रहा है. बेबी बहुत छोटा है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में. तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपने मिल्क की जो सप्लाई है वो बढ़ाऊँ, किस तरीके से अपने ब्रेस्ट मिल्क को पम्प करूँ, किस तरीके से पम्पिंग के थ्रू इंक्रीज़ करूँ अपना मिल्क सप्लाई. ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक न्यूली मॉम के लिए. बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग. जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बेबी को डिलीवर करना, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बेबी को. और स्पेशली फॉर न्यूली मॉम्स, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे उस छोटे से बच्चे का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, उसके हर दो दो घंटे के बाद में उसको फीड कराना है. अपने लिए स्ट्रेनियस हो जाता है वो, क्योंकि आपने जस्ट बेबी अभी अभी डिलीवर किया है. सो मदर्स गोज थ्रू अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी ऑल्सो. सो हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स जो कि इतना पेन लेती हैं. एंड डोंट थिंक कि अगर आप बेबी को कम अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला पा रहे हो, कम मतलब फीड कर पा रहे हो, या फिर आप 60% ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, 40% फॉर्मूला दे रहे हो, तो उसमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो. आज इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ टू पम्प मोर ब्रेस्ट मिल्क. तो चलिए शुरू करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी जो कि मैंने खुद एज अ प्राइमरी मदर सीखी थी ड्यूरिंग माय ब्रेस्ट फीडिंग. मैंने लैक्टेशनल काउंसलर से कंसल्टेशन भी लिया था सो एज टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज ब्रेस्ट फीडिंग, या उसके पीछे साइंस क्या है. ऐसे नहीं है कि हाँ भाई बस बेबी बाइट कर रहा है तो उसको बाइट करने दो, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं. जैसे मैं प्राइमरी मदर थी सो इनिशियली क्या हुआ था कि मेरा जो बेबी है उसको हमने बॉटल फटाफट से इंट्रोड्यूस करा दी थी. सो हमने क्या किया, जब बेबी को हम घर पर लेकर आए तो हमने उसको बॉटल इंट्रोड्यूस करा दी. ये मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी जब हमने उसको बॉटल इंट्रोड्यूस करा दिया. देन आई टॉक टू द लैक्टेशनल काउंसलर, देन शी टोल्ड मी कि किस तरीके से एक तो मैं मिल्किंग भी नहीं प्रॉपरली कर पा रही थी, मिल्क भी नहीं इमीडिएटली प्रोड्यूस हो पा रहा था. सो मेरे को इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था एंड आई बिकेम वेरी एंग्शियस. एंग्जाइटी हो रही थी कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे मैं मेरे बेबी को अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड कराऊं. एटलीस्ट कम से कम 7-8 महीने तो फीड करा दूं. मुझे ऐसा लग रहा था कि बस 15-20 दिन में मैं उसको नहीं अपना दूध पिला पाऊंगी, अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाऊंगी, मेरे को फॉर्मूला पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. बट ऐसा कुछ नहीं था. मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क था वो धीरे धीरे अपने आप है ना इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज आई गॉट इट राइट कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है जो मैं नहीं कर रही थी. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वो टिप्स आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने साथ में एक्सपीरियंस किए हैं और जो मैंने खुद उनको बार बार रेपिटेटिवली यूज़ किया है, उन टिप्स को अप्लाई किया है. एंड देन फिर उसके बाद में आई वॉज एबल टू फीड माई बेबी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7.5 to 8 months के आसपास में मैंने अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली उसको दिया है. सो टिप नंबर 1, हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. पानी को खूब सारा पीना है, बहुत क्वांटिटी में आपको पानी पीना है. अगर आप 2.5 या 3 liter पानी पीते हैं तो अपने पानी का जो इंटेक है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड वो आपको बिल्कुल डबल कर देना है. कम से कम 5 to 6 liter पानी पीना है. जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने ड्यूरेशन में 3 liters के आसपास में पानी पी लेती थी, उससे ज़्यादा मेरे से पिया नहीं जाता था. बट देन वॉट माई लैक्टेशनल काउंसलर टोल्ड, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. पानी खूब सारा पीना है. अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं, डेफिनेटली आप जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होता ही होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से वाटर भी निकलता है. तो जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आप उस ड्यूरेशन में अगर बेबी को आपको प्यास लग रही है, आप बेबी को फीड करा रहे हैं या पंप कर रहे हैं और आपको प्यास लग रही है, हैव वाटर, ग्रैब वाटर और पानी खूब सारा पीजिए. इससे अगर पानी की कमी होती है आपकी बॉडी में, डिहाइड्रेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मिल्क सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिप कर जाता है. इसीलिए जो लोग होते हैं या जो फीमेल्स होती हैं वो
ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती अगर वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पीती है। जैसे मैं 3 लीटर्स ऑफ वाटर पीती थी, मैंने अपने पानी को बिल्कुल डबल कर दिया, 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर मैंने पीना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मेरा जो मिल्किंग था, जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क था, उसमें मैंने देखा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड जो मिल्क सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी इंक्रीज हुई है। पॉइंट नंबर 2, स्किन टू स्किन। अब स्किन टू स्किन क्या है, यानी जब आपने देखा होगा कि जैसे ही बेबी जो होता है वो डिलीवर होता है तो तुरंत मदर को दे दिया जाता है। सो जैसे ही डिलीवर करते हैं तो मदर की या तो स्किन से बिल्कुल बेबी को टच कर देते हैं, क्योंकि बेबी ने भी कुछ नहीं पहना होता एंड मदर की स्किन जो ऊपर की होती है वो भी खाली होती है। और या फिर जो फर्स्ट इमीडिएटली जब डिलीवर करते हैं बेबी को तो मदर का जो ब्रेस्ट है वो बेबी को देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा सकल करे। इसमें दो हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट हो जाते हैं तब आपका जो मिल्किंग होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। दीज आर कॉल्ड एज लव हार्मोन्स। जैसे ही मतलब मदर के पास में अपना बेबी आता है तो एक अलग सी फीलिंग होती है, वो अंदर से बहुत खुश होती है, ओवरवेलम्ड होती है। ऑक्सीटोसिन लेवल हार्मोन्स एक्टिवेट होगा, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिवेट होगा, तब जाकर आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो और ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप है ना अपने बेबी को अपने पास में लीजिए, स्किन टू स्किन कीजिए उसको, बेबी को फील कीजिए, प्यार कीजिए, दोनों टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए, तब जाकर आप अपना जो मिल्किंग है उसमें आप अपने चेंजेस देख सकते हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट टेकिंग एनीथिंग। टिप नंबर 3, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। पालक खाइए, मेथी खाइए, बथुआ खाइए, ग्रीन लीफी जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं उनको खाइए। एक तो आपका न्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं, उससे आपका आयरन मिल रहा है, आपको सारे विटामिंस एंड मिनरल्स जा रहे हैं, और साथ साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प करती हैं मिल्किंग को बूस्ट करने में। एंड सेकेंड थिंग, जब कभी भी आपको भूख लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि आप है ना ब्रेस्ट फीड आपने निकाले, स्पेशली जब आप पंप करते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट खाली हो जाती है तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो देन हैव अ बोल ऑफ सैलड, जिससे कि आप चीट नहीं करेंगे, अननेसेसरी कैलरीज नहीं इंटेक करेंगे, अच्छी कैलरीज को इंटेक करेंगे इन फॉर्म ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, जो आपके ब्रेस्ट मिल्क पर भी इफेक्ट करेगी, इंक्रीज करेगी उसको, और आपकी हेल्थ पर भी अच्छा इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4, अप्लाई मॉइस्ट हीट। यानी कि जैसे कि एनग्रोस ब्रेस्ट हो जाती है, ब्रेस्ट के ऊपर लम्ब्स हो जाते हैं जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो कहीं कहीं पर हमारे ब्रेस्ट पर लम्ब्स हो जाते हैं। सो आप वॉशरूम जाइए, आप अपनी अच्छे से गर्म पानी से, सूदिंग गर्म पानी से आप अपनी ब्रेस्ट के ऊपर डालिए। इससे क्या होगा कि जो ब्रेस्ट पर जो पोर्स होते हैं वो पोर्स खुलेंगे गर्म पानी से, तो उससे आपके जब पोर्स खुलते हैं तब वो और ज़्यादा मिल्क सीक्रेट होता है। या फिर अगर आपको ब्रेस्ट मतलब नहीं नहाना है या फिर आप और टाइम में नहाने का मन नहीं कर रहा है तो हल्की सी वेट हॉट टॉवल लीजिए, उसको अपनी ब्रेस्ट पर रख लीजिए, हल्का सा मसाज सर्कुलर मोशन में अपनी ब्रेस्ट के ऊपर मसाज करिए, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे सर्कुलेशन होता है ब्रेस्ट पर, जब सर्कुलेशन होता है तो मिल्क सप्लाई और थोड़ा सा बढ़ता है, और हॉट वाटर से या फिर गर्म पानी से जब आप नहाते हैं तो आपके जो निपल्स के आसपास में एरोला होता है उससे जो स्किन होती है निपल के आसपास की उसके पोर्स खुलते हैं, तो जितने ज़्यादा पोर्स खुलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतनी ज़्यादा मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको रिलैक्सिंग भी लगेगा। पॉइंट नंबर 5, अपना पंपिंग स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना दिन में 6 से 7 बार पंपिंग करें, जिससे कि आपका मिल्क की जो सप्लाई होगी वो इंक्रीज़ होगी। जितना ज़्यादा आप पंप करेंगे, 6 to 7 times अगर आप पंप करते हैं तो एक तो आप पंप करके रेफ्रिजरेटर में मिल्क जो है बेबी के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ही हेल्प होगा। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपके बिहाफ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर बेबी को कोई भी पिला सकता है आपके बिहाफ पर मिल्क। सो पंपिंग आपके जो स्टिमुलेशंस को बढ़ाती है, आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को डेफिनेटली बढ़ाती है। सो ट्राई इफ़ यू कैन पंप
एज मच एज यू कैन, लाइक एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा बार नहीं कर सकते 6 to 7 times तो 4 to 5 times आप पम्प कर लीजिए, बाकी टाइम आप बच्चे को लैच कराइए. लैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, प्रोलैक्टिन एक्टिवेट होता है एंड इसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज होती है ब्रेस्ट मिल्क की. पॉइंट नंबर 6, डू पावर पम्पिंग. पावर पम्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली फॉर दोज मदर्स जो कि एक्सक्लूसिवली पम्प ही कर रहे हैं, एक्सप्रेस मिल्क ही दे रहे हैं, तो उनके लिए पावर पम्पिंग बहुत ज़रूरी है. तो आप इलेक्ट्रिक पम्प से पावर पम्पिंग कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल. आप मैनुअल से भी कर सकते हैं बट मैनुअल में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, आप मैनुअल में बहुत लंबे टाइम तक का पावर पम्पिंग नहीं कर सकते. सो आई वुड रिकमेंड कि आप इलेक्ट्रिक पम्प से पावर पम्पिंग करें. पावर पम्पिंग का जो ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 50 मिनट्स के आसपास का होता है एंड उसे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट होती है पावर पम्पिंग से कम्प्लीटली खाली हो जाती है. तो ब्रेस्ट हमें क्या करना है, हमें है ना ब्रेस्ट को कम्प्लीटली खाली करना है जिससे कि हमारे दिमाग में वो पहुँचे कि ठीक है अब हमें इतना जैसे कि मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे को 300 ml ऑफ मिल्क अपनी ब्रेस्ट में से प्रोड्यूस करना है. तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो ब्रेस्ट को है ना कम्प्लीटली एम्प्टी कर दूँगी. इससे क्या होगा, मेरे दिमाग में जाएगा कि ठीक है ये जो है ये कम्प्लीटली अपनी ब्रेस्ट को एम्प्टी करती है, इतना इसकी नीड है. तो ब्रेन पर जब स्ट्यूमुलेशन जाएंगे तब फिर हमारा जो बॉडी है कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर रेस्ट थोड़े से टाइम बाद के बाद में बॉडी हमारी उतना ही मिल्क जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, 300 ml. फिर धीरे धीरे करके हम जब कम्प्लीटली अपनी ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट को कम्प्लीटली एम्प्टी करते रहेंगे तो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा. तो पावर पम्पिंग हमें हमारी ब्रेस्ट को खाली करने में बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करता है और हमारे मिल्क सप्लाई को भी इंक्रीज करता है. पॉइंट नंबर 7, चूज़ अ राइट क्वालिटी ऑफ पम्प, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पम्प है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि आप अपनी ब्रेस्ट को हार्म ना कर सकें. सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है पम्प का और जो मेजर मैं बोलती जो पार्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज़ दी फ्लेंज, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया है, जो एक फनल टाइप का होता है जिसमें कि हम अपने ब्रेस्ट पर या जो निपल ब्रेस्ट के ऊपर लगाते हैं पम्प को और निपल सीधा सेंटर में जाता है, वो बिल्कुल राइट तरीका है पंप को यूज़ करने का. इससे क्या होगा, ना तो आपकी ब्रेस्ट में अगर स्मॉल फ्लेंज होता है तो वो सोरनेस पैदा कर देगा, अगर आपकी ब्रेस्ट बड़ी है और जो फ्लेंज है वो छोटा है, जो फनल है वो छोटी है, तो आपकी ब्रेस्ट पे निपल पे वो डेफिनेटली हार्म करेगा, सोरनेस हो जाएगी एंड फिर आपका मन नहीं करेगा कि मेरे को दोबारा से पंप करना चाहिए और वो अच्छा करने की जगह वो बेकार आपको करेगा. क्योंकि आपको जब स्ट्रेस होगा, पेन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो मिल्क सप्लाई है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी. सो राइट क्वालिटी ऑफ पंप यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राइट साइज़ का फ्लैंज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपकी जो ब्रेस्ट पर, आपकी निपल पर वो हार्म ना करे, प्रॉपरली वो कम्प्लीटली सेंटर में आपकी निपल जो है वो प्लेस हो जाए, ना बहुत ज़्यादा बाहर जाए और ना बहुत ज़्यादा फ्लैंज के बाहर की तरफ आपकी निपल रहे, प्रॉपरली सेंटर में होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 8, इलेक्ट्रिक पंप प्रेफर ज़्यादा कीजिए और मैनुअल पंप को एक बैकअप की तरीके से रखिए. अगर आप कॉन्स्टेंटली पंप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहे हैं, ऐड करते हैं काफ़ी पंपिंग सेशंस को अपने ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग के स्केड्यूल में, तो फिर इलेक्ट्रिक पंप आर मोस्ट यूजफुल. वाई, बिकॉज वो आपको हैंड्स फ्री कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है एंड आप उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से पंप भी कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस. मैनुअल में काफ़ी स्ट्रेस होता है, आपको बार बार हैंड से ही उसको पंप को चलाना होता है, जो कि थोड़े टाइम बाद में 5-10 minutes के बाद में आप खुद फटीग करने शुरू हो जाते हैं. तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट पंपिंग में आपको फटीग नहीं होना है, आपको रिलैक्स होकर करना है. तो चीज़ें वो यूज़ कीजिए जो आपको रिलीफ देती हूँ, आपको रिलैक्सेशन देती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ चैलेंजिंग. पॉइंट नंबर 8, डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स. रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब जब आपको गैप मिले, जब जब आपका बेबी सो रहा हो, आप फ्री हो रहे हो, आपके पास में कुछ काम नहीं हो, तब तब आप छोटे छोटे नैप्स ले लीजिए, अपनी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स करिए. मसाज हो सकती है, आप किसी से मसाज करवा सकते हैं लेग्स पर, आर्म्स पर, जो कि आपको काफ़ी सूदिंग लगे और आराम से आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कर पाए. जब आप रिलैक्सेशन करेंगे, जब आप रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तभी वो और ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी. अपने आप को रिलैक्स करिए,
ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के जो सप्लाई है उसमें चेंजेस बिल्कुल देखने लगेंगे। पॉइंट नंबर 9, हैव इनफ स्लीप। अपनी जो स्लीप है वो पूरी करिए, पूरे दिन में पूरी करिए। जब रात में टाइम होता है, जब बेबी थोड़ा सा लंबा स्लीप करता है, तब आप अपनी नींद को डेफिनेटली पूरा करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। रात के 12 बजे से लेकर और सुबह के 5 बजे का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल टाइम होता है पंप करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है। तो मेक श्योर कि आप 12 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में दो बार अपना जो मिल्क है वो पंप कर लें। तो मेक श्योर कि आप दो बार पंप कर लें। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि सुबह 12 बजे का और जो 5 बजे तक का टाइम है वही एक मेन टाइम होता है सोने का, बट अगर आप अपना दो घंटे भी पंप कर लेते हैं एक गैप के बाद में, एक 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपने कर लिया, देन फिर उसके बाद में 4:30 से 5:30 या 5 बजे तक आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास में आपने पंप कर लिया, तो उस समय आपका जो मिल्क सप्लाई है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, काफ़ी होता है मिल्क सप्लाई उस समय, और वो बूस्ट भी करेगा कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो। पॉइंट नंबर 11, पंप फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंट पंप करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी ब्रेस्ट को एम्प्टी करेंगे उतना ही ज़्यादा मिल्क सप्लाई होगा, इंक्रीज़ होगा, और उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो ब्रेस्ट को एम्प्टी करना ज़्यादा ज़रूरी है देन के बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप उसको पंप किए जा रहे हैं। सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल कि मैंने 10-10 मिनट अपनी दोनों ब्रेस्ट से पंप किया और अब मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो मैंने 5-10 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद में मैंने वापस से पंप किया, पंप करा, फिर देखा कि भाई अब मिल्क नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, देन फिर उसके बाद में मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम बाद के बाद में फ्रीक्वेंटली पंपिंग कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे ब्रेन को स्टिमुलेशन जाएंगे, सिग्नल्स जाएंगे कि ठीक है शी इज़ पंपिंग मोर फ्रीक्वेंटली, तो इसको मिल्किंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना फ्रीक्वेंटली हम पंप करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 12, यूज़ प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प यू टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, टू पंप मोर मिल्क। यानी कि जो आपको ईजी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे कि आप अपना मिल्क जो है वो और ज़्यादा पंप कर पाएँ। सो प्रोडक्ट्स जैसे कि नर्सिंग पिलो, आप अपना आराम से अपने नर्सिंग पिलो को यूज़ करके रिलैक्स हो सकते हैं एंड देन पंप कर सकते हैं। आपका हॉट एंड कोल्ड पैक के आप अपनी ब्रेस्ट के आसपास में लगा लें, जिससे कि आपको रिलैक्सेशन मिले जब आपका ब्रेक होता है, या फिर आप अपनी पंपिंग को ओवर कर चुके हैं देन आप वो हॉट पैक्स वगैरह लगा सकते हैं, हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं, निप्पल क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि सोरनेस हो जाती है, तो फिर आप हल्का सा निपल क्रीम लगा सकते हैं, जिससे कि वो सोरनेस बढ़े नहीं और आपको पेन ना हो, तो वो निपल क्रीम आपको थोड़ा सा ईज आउट करती है, आपकी सोरनेस को हील करती है। पॉइंट नंबर 13, पंप एंड नर्स साइमल्टेनियसली। यानी कि आप पंप भी कीजिए, पंपिंग सेशंस भी मेंटेन करिए, और साथ साथ में बच्चे को लैच भी करवाइए। दोनों अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। मैं बोलती हूँ कि हाईली रिकमेंडेड है, सिर्फ पंप मत करिए। एक टाइम के बाद में शायद आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उतना ना हो पाए सिर्फ और सिर्फ पंपिंग से, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इनिशियल डेज में मैं सिर्फ पंप कर रही थी, बट देन व्हाट आई डिड, मैंने पंप किया साथ साथ में 6-7 टाइम्स में पंप करती थी, देन फिर उसके बाद में बीच बीच में जो गैप होता था मैं उसके बीच में बेबी को लैच भी करवाती थी। सो लैचिंग से क्या हुआ, स्किन टू स्किन हुआ, मेरा मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, और साथ साथ में मैंने पंपिंग स्केड्यूल को भी फॉलो किया, तो इससे क्या हुआ, मेरा जो मिल्क का जो सप्लाई था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेशन हुआ, और मैं मिल्क को फिर स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख देती थी, एंड आई यूज़ टू स्लीप फॉर 8-9 आवर्स में इस तरीके से अपनी नींद को प्रॉपरली सो जाती थी, अपनी नींद को ग्रैब कर लेती थी, क्योंकि मैं पंप करती थी और मैं रखकर रहना, सो दैट अगर इनकेस बेबी जगता था तो उसको मेरे बिहाफ पर कोई भी पिला देता था। पॉइंट नंबर 14, पंप करने के बाद में हैंड एक्सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है अपनी ब्रेस्ट को। यानी कि जब आपने अपना पंप कर लिया है, देन फिर उसके बाद में अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट को थोड़ा थोड़ा दबाना चाहिए ना, सर्कुलर मोशन, थोड़ी निपल को प्रेस करना चाहिए, जिससे कि जो भी बचा हुआ उसमें दूध है
आपकी ब्रेस्ट में जो भी मिल्क है वो कम्प्लीटली निकल जाए, आप उसको फिर स्टोर कर दें। पर्पस सिर्फ यही है कि अपनी ब्रेस्ट को कम्प्लीटली खाली करना। इसलिए पंप करने के बाद में हैंड एक्सप्रेशन अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पॉइंट नंबर 15, मसाज योर ब्रेस्ट रेगुलरली, आपको रिलैक्सेशन देगा और साथ साथ में स्टिमुलेट भी करेगा ब्रेस्ट को, उसके पोर्स ओपन करेगा जिससे कि मिल्क जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। पॉइंट नंबर 16, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव गुड डाइट, अपना अच्छा खाइए, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए जिससे कि आपके मिल्क सप्लाई को वो बूस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना, यही सारे फैक्टर्स आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन पाउडर कुछ भी। आप इन सब फैक्टर्स को करके आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है आप चेंजेस अपने देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की थी। इनिशियल डेज में मैं नहीं कर रही थी, बट देन आफ्टर 10 to 12 days के बाद में जब मैंने काउंसलर से काउंसलिंग ली, देन शी टोल्ड मी, और तब मैंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की। और जब मैंने करनी शुरू किया तब मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, सिर्फ इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया रेगुलर बेसिस पे, एंड आई वॉज एबल टू फीड माई बेबी कम्प्लीटली ऑन माई ब्रेस्ट मिल्क। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल। मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आपके जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।